दोस्तों शाओमी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन था रेडमी नोट 5 प्रो। एम आई ने ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बेचा था, इस फ़ोन की सेल सबसे ज़्यादा हुई थी। एम आई की बात करें तो कंपनी कह रही है कि इससे ज़्यादा फ़ोन आज तक उन्होंने कभी नहीं बेचे हैं। अब सबसे ज़्यादा जो कंपनी दावा कर रही है बेचने का, फ़ोन बेचने का दावा कर रही है, वो है रेडमी नोट 7। यह फ़ोन 48 मेगापिक्सल का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप जोधानी और आप देख रहे हैं सोशल लाइव 11। शाओमी ने कहा है कि रेडमी नोट 7 यह फ़ोन जो है वो कंपनी सबसे ज़्यादा बेचने वाली है इस कम जनवरी के महीने में। अभी 16 तारीख तो है, 10 दिन या 15 दिनों के अंदर कंपनी बोल रही है कि 10 लाख यूनिट बेचने की तैयारी कर रही है। अगर ये फ़ोन मार्केट में आ गया तो काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारी ब्रांड्स को टक्कर देगा, क्योंकि 6GB वाला वेरियंट 13,999 रुपये के आसपास का आ रहा है। इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, रेयर में 2 कैमराज हैं। अगर ये फ़ोन मार्केट में आ गया तो काफ़ी सारी कंपनियों को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि 9,000, 10,000 और 11,000 और 12,000 की रेंज में ये फ़ोन निकलने वाला है। इसके 3 वेरिएंट निकलने वाले हैं, 3GB रैम और 32GB के साथ आएगा, 4GB रैम और 64GB के साथ आएगा, 6GB रैम और 64GB के साथ आएगा। इस तीनों में 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और फ्रंट में एक ही कैमरा दिया गया है 13 मेगापिक्सल का, रेयर में 2 कैमराज हैं। यह फ़ोन एंड्रॉयड ओरियो पे चलने वाला है और इसकी जो बैटरी है वो 4000mAh की है। कंपनी दावा कर रही है कि जनवरी के महीने में यह कम से कम 10 लाख यूनिट बेचेगी। इस फ़ोन के 10 लाख यूनिट बेचना 15 दिन के अंदर मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। प्राइसिंग की बात करें तो काफ़ी हद तक यह अच्छा लगता है कि प्राइसिंग में सस्ता भी है। अगर आप सबसे सस्ता फ़ोन लेते हैं तो वो 10,000 रुपये में आपके पास आ जाएगा। उसमें भी आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा मिलेगा, मतलब 2 कैमरास मिलेंगे रेयर में। फ्रंट में तो आपको एक ही कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिलेगा। इसमें 3GB की रैम मिलेगी और 32GB के स्टोरेज मिलेगा। दोस्तों रेडमी नोट 7 अगर मार्केट में आ रहा है तो जल्द ही इसकी जो बिक्री है वो फ्लिपकार्ट और MI.com पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। अभी फ्लिपकार्ट की सेल भी चल रही है, शायद इसमें हमें अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाए। इसकी बात करें तो रेडमी नोट 6 और रेडमी नोट 5 प्रो ये भी काफ़ी सस्ते होने वाले हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है कि कब कंपनी इसको लॉन्च करती है और कब आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इस फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 660 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, यानी कि आप पबजी वगैरह जो गेम्स हैं वो काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं। 3GB रैम वाले वेरिएंट में भी आप पबजी वगैरह जो गेम्स हैं वो काफ़ी अच्छे से खेल सकते हैं। इसका डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। कुछ कुछ जगहों पर ये फ़ोन अवेलेबल है, कंपनी ने किन्हीं यूट्यूबर्स को ये फ़ोन अवेलेबल करवा दिया है क्योंकि वो उनका अनबॉक्स कर सके, पर अभी तक ये फ़ोन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। जल्दी ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा पेज सोशल लाइव 11 फेसबुक पर भी लाइक करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।